एरिया है, ठीक है। आज का जो तमिलनाडु का एरिया है, ये जो एरिया था ये पलवास का एरिया था, ठीक है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि किस तरह से चालुक्यास और पलवास का आपस में युद्ध होता था, क्या रीजंस थे। हाँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने रिकॉर्ड का बटन ऑन कर दिया है, रिकॉर्ड चल रही है क्लास में, ठीक है। तो ये जो दो स्टेट थे इनकी आपस में युद्ध हो रहा था, ये भी मैं आपको कल सारा डिटेल बता चुका हूँ। अब हमने पढ़ना है पलवास के बारे में। तो ऐसा है कि जब हम एंशियंट टाइम पढ़ेंगे तो एंशियंट टाइम में हम संगम के बारे में पढ़ेंगे, अभी नहीं बाद में, ठीक है। हम संगम के बारे में पढ़ेंगे। तो उस समय एक डायनेस्टी चल रही, एक पीरियड चल रहा था, वो पीरियड कौन सा था, संगम पीरियड, ठीक है। संगम पीरियड का जो हिस्ट्री है वो क्या है, ऐसा माना जाता है कि दो ऋषि थे, आपने रामायण में उनका नाम सुना होगा। एक ऋषि थे ऋषि विश्वामित्र और दूसरे ऋषि थे ऋषि वशिष्ठ, ठीक है। तो जो ऋषि वशिष्ठ थे और विश्वामित्र थे, उनकी आपस में कुछ बात में कंट्रोवर्सीज थी, ठीक है। कंट्रोवर्सीज किस बात में थी, वो दोनों ये मानते थे कि हम सुपीरियर हैं, दूसरा कहता था कि मैं सुपीरियर हूँ। और इसके रिगार्डिंग इन दोनों में युद्ध हुआ था, ठीक है। इन्होंने एक अपनी सेना तैयार की थी और युद्ध हुआ था, जिसके अपने हम वैदिक पीरियड में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। उस युद्ध को बोला गया था 10 राजन युद्ध। इस 10 राजन युद्ध में क्या हुआ, जो ऋषि वशिष्ठ थे विश्वामित्र सॉरी विश्वामित्र थे, तो उनकी जो सेना थी वो हार गई, ठीक है। जब उनकी सेना हारी, ये जो युद्ध हुआ था कहाँ पर हुआ था, रावी नदी के किनारे में हुआ था। रावी नदी कहाँ पर है आपको पता है, इंडस की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, पंजाब से भी होकर निकलती है, ठीक है। तो रावी नदी के किनारे में ये युद्ध हुआ था, जिसके बाद क्या हुआ, ऋषि विश्वामित्र की जो सेना थी उनको हार का सामना करना पड़ा। इसके रिगार्डिंग क्या हुआ, ऋषि विश्वामित्र ने क्या किया, इस हार को वो सहन नहीं कर पाए और अपनी सेना के साथ अपने लोगों के साथ कहाँ पर चले गए, साउथ इंडिया में चले गए, ठीक है। साउथ इंडिया में जाकर उन्होंने अपना एक नया हिसाब से वहां पर चलाना शुरू किया, ठीक है, अपना नया सिस्टम चलाया। तो वैदिक धर्म को नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में लेके आने वाले कौन थे, ऋषि विश्वामित्र थे, जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि वो किस तरह से 10 राजन युद्ध में हारे थे, ठीक है। तो ये उन्होंने जो वहां पर वैदिक कल्चर चलाया, ठीक है, तो उस वैदिक कल्चर को बाद में क्या बोला गया, संगम पीरियड, संगम पीरियड, ठीक है। इस संगम पीरियड में साउथ इंडिया में 3 डायनेस्टी राज कर रही थी। पहली डायनेस्टी थी चोला डायनेस्टी, पहली डायनेस्टी थी चोला डायनेस्टी। दूसरी जो डायनेस्टी थी वो कौन सी थी, चीरा डायनेस्टी, CHERA, चीरा डायनेस्टी। और तीसरी जो डायनेस्टी थी वो कौन सी थी, पांडवा डायनेस्टी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली चोला, चीरा एज वेल एज पांड्या डायनेस्टी, ठीक है। चोला डायनेस्टी, चीरा डायनेस्टी एज वेल एज पांड्या डायनेस्टी, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम संगम पीरियड को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप इतना याद रखिए। आपको अब क्लियर हुआ कि किस तरह से नॉर्थ से वैदिक कल्चर साउथ में आया, इतना बताइए क्लियर है, तब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही संगम एज खत्म हुई, 3 डायनेस्टीज मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, चोला डायनेस्टी, चेरा डायनेस्टी और पांड्या डायनेस्टी, ये वो डायनेस्टी थी जो नॉर्थ से जो लोग वैदिक लोग यहाँ पर आए थे, साउथ में आए थे, उन्होंने आपस में मिलके ये राज्य वहां पर बनाए थे, संगम पीरियड चलाया था, ठीक है। तो ये 3 डायनेस्टी थी, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं आपको ऋषि विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र, ठीक है, ऋषि विश्वामित्र के साथ जो सेना थी वो बाद में उनके साथ के जो लोग थे वो साउथ इंडिया में आ गए थे, उन्होंने वहां पर संगम पीरियड चलाया, वैदिक कल्चर को आगे बढ़ाया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो पलवास का राइज कैसे हुआ, ठीक है। जो संगम काल था वो भी 200 साल तक चला, ये 3 डायनेस्टीज 200 साल तक चली। और ऐसा माना जाता है, जब हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे, अशोक ने अपने काल में बहुत ज्यादा शिलालेख लिख लिए थे, शिलालेखों के बारे में बहुत कुछ लिखा था उसने, ठीक है ना। तो जो उसने शिलालेख बनाए थे बौद्ध धर्म को प्रोपोगेट करने के लिए, अपने धर्म को प्रोपोगेट करने के लिए, उन शिलालेख में भी इन 3 डायनेस्टीज के बारे में जिक्र मिलता है, चोला, चीरा और पांड्या, ठीक है। इसका मतलब जब अशोक नॉर्थ इंडिया में मौर्य काल चल रहा था, उसी समय साउथ इंडिया में संगम काल चल रहा था और ये 3 डायनेस्टीज राज कर रही थी। इस पीरियड में आते आते जो हम पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, अर्ली मेडिवल इंडिया, इस पीरियड में आते आते क्या हुआ, ये जो 3 डायनेस्टी थी, चोला, चीरा और पांड्या,
ये जो डायनेस्टी थी इनका अस्तित्व खत्म होने लग पड़ा, ठीक है, ये जो डायनेस्टी थी अब वीक होने लग पड़ी, और इनकी जगह जो इनके गवर्नर थे, इनके ऑफिसर थे, वो सिर उठाने लग पड़े। जैसे हमने पहले भी देखा है कि जब भी एक राजा वीक होता है तो उसका जो गवर्नर है, उसका जो ऑफिसर है, वो अपना सिर उठाने लग पड़ता है, ठीक है। तो हुआ क्या, ये डायनेस्टीज वीक होने लग पड़ी, और अल्टीमेटली क्या हुआ, जो इनके गवर्नर थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू कर दिया। उसी में से एक डायनेस्टी थी जिसका नाम क्या था, पलवास, पलवास ऑफ कांची, कांची यानी आज का तमिलनाडु और कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश, ये जो एरिया है यहाँ पर ये लोग कौन थे, पलवास, ठीक है। समझ में आया कि पलवास कैसे आए, पलवास उन लोगों के फ्यूडिटरी से, ये वहां पर उन्होंने सिर उठाया, और चोला, चेरा और पांड्या इन तीन डायनेस्टीज को हरा कर, संगम पीरियड की इन तीन डायनेस्टीज जो वीक हो चुकी थी बहुत ज्यादा, खत्म कर अब इस एरिया में जो तमिलनाडु का एरिया है, उस समय इस एरिया को क्या बोला जाता था, टोंड मंडलम, आई रिपीट, इस एरिया को बोला जाता था टोंड मंडलम, TONDAI, टोंडाई मंडलम, MANDLAM, तो इस एरिया को क्या बोला जाता था, टोंडाई मंडलम, ये तमिलनाडु का एरिया, वहीं से तमिलनाडु वर्ड निकला है। तमिलनाडु वर्ड कहाँ से निकला है, क्योंकि एंशियंट नेम इस पीरियड का, संगम काल में इस रीजन को क्या बोला जाता था, टोंडाई मंडलम, ठीक है, वहां से तमिलनाडु नाम निकला है, ठीक है। तो टोंडाई मंडलम के इलाके को इन्होंने जीता, बाद में पलवास ने जीता, और इन्होंने अपनी कैपिटल कहां पर बनाई, कांचीपुरम में, आज आज का जो एरिया उसको कांची कहते हैं, ठीक है, बेसिकली इसका एंशियंट नाम क्या है, कांचीपुरम, ठीक है। तो टोंडाई मंडलम यानी तमिलनाडु का एरिया उन्होंने जीता, और यहाँ पर अपनी कैपिटल कौन सी बनाई, कांचीपुरम में, ठीक है। तो ये कौन थे, पल्लवास थे। इतना क्लियर है आपको, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए इतना देखिए पहले, ठीक है। अब जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है इन लोगों की, ये पलवास है, ठीक है, इनको, इनके जो फेस को तीन फेसिस में बांटा गया है। पहला फेज जो है वो क्या है, 250 AD से 350 AD, जो पहला फेज है वो क्या है, 250 AD से 350 AD, आई रिपीट, 250 AD से 350 AD, ठीक है। अब ये हो गया इनका पहला फेस। इस फेस में क्या हुआ, जितने भी शिलालेख या जितने भी क्वाइंस इशू किए गए, वो सारे के सारे किस लैंग्वेज में इशू किए गए, प्राकृत लैंग्वेज में इशू किए गए, तो सारे के सारे प्राकृत लैंग्वेज में इशू किए गए, ठीक है। तो ये कौन सा फेस है, पहला फेस है। दूसरा जो इनका फेस है वो कब से है, 350 से लेकर 550 AD तक। ये वो टाइम है जब इन लोगों ने जितने भी शिलालेख बनाए, जितने भी कॉइंस बनाए, जितने भी चार्टर्स बनाए, उनमें कौन सी लैंग्वेज लिखी गई, संस्कृत लैंग्वेज लिखी गई, ठीक है। और थर्ड फेज इसका कौन सा है, 550 AD से अप टू राइस ऑफ चोला, अब तो इनके अंत तक, जब तक इनका अंत नहीं हुआ, ठीक है, 550 AD ऑनवर्ड्स अप टू इनका डिक्लाइन। तो उस पीरियड में क्या हुआ, उस पीरियड में जितने भी शिलालेख लिखे गए, जितने भी कॉइंस इशू किए गए, उसमें दो टाइप की लैंग्वेजेस इशू होती थी। पहली लैंग्वेज थी संस्कृत और दूसरी लैंग्वेज थी तमिल। तो ये फेस आपने याद करने हैं, फर्स्ट फेस जिसमें शिलालेखों में प्राकृत लैंग्वेज इशू हुई, दूसरी फेस जिसमें शिलालेखों में संस्कृत की लैंग्वेज इशू हुई, और तीसरे फेस जिसमें संस्कृत और तमिल दो लैंग्वेजेस इशू हुई, ठीक है। क्लियर है इतना, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। फर्स्ट फेज की जो लैंग्वेज है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, तीन फेज हुए थे। पहला फेज था 250 से 350 AD, इस फेज में जो लैंग्वेज थी वो प्राकृत यूज की गई। सेकंड फेज जो था 350 से 550 AD, इस फेज में संस्कृत लैंग्वेज यूज की गई। और
अगला जो फेज था वो कौन सा था, 550 से अप टू देयर एंड, उस फेज में कौन सी लैंग्वेज यूज की गई, संस्कृत एज वेल एज तमिल। क्लियर है जी, चले आगे। जो सेकंड फेज था, ठीक है, सेकंड फेज था जिसमें संस्कृत लैंग्वेज को यूज किया गया था, उस फेज में पल्लव हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन था, विष्णु गोपा। सेकंड फेज का जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था वो कौन सा था, विष्णु गोपा। और इस विष्णु गोपा को जब हम गुप्त काल पढ़ेंगे हम देखेंगे, समुद्रगुप्त एक ऐसा राजा था गुप्त काल का, समुद्रगुप्त एक ऐसा राजा था जिसने पूरे भारत को जीत लिया था, पूरे भारत को एक कर दिया था, ठीक है। तो समुद्रगुप्त से जो नॉर्थ इंडिया में राज कर रहा था, विष्णुगोपा वो राजा था जो समुद्रगुप्त से हार गया था, जिसने समुद्रगुप्त ने अपना बंदी बना लिया था। तो ये जो विष्णुगोपा है ये सेकंड फेज का राजा है, ठीक है, जब संस्कृत लैंग्वेज यूज होती थी। सेकंड फेज में सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन था पल्लवों का, विष्णु गोपा, जिसको समुद्रगुप्त से हार मिली। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लियर आपको विष्णु गोपा के बारे में, क्लियर है। थर्ड फेज जब मैंने आपको बताया 550 से एंड तक जो ये फेज था, इस फेस में जो रियल फाउंडेशन है इस एम्पायर की, जो रियल फाउंडिंग एम्पायर है पलवा, एक इंडिपेंडेंट एम्पायर जो बना वो थर्ड फेस में आकर बना, ठीक है। और इस फेस में पहला रूलर कौन था जिसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया, वो पलवों का रूलर जिसने इसको बनाया, इसको एक इंडिपेंडेंस दी थर्ड फेस में, उसका नाम क्या था, सिम्हा विष्णु। तो थर्ड फेज में पल्लव अपने आप में इंडिपेंडेंट एम्पायर बन गया, और इस इंडिपेंडेंट एम्पायर का फाउंडर कौन था, सिम्हा विष्णु। आई रिपीट, सिम्हा विष्णु। तो सिम्हा विष्णु ने क्या किया, ना केवल चोला चेरा पांड्या जो वीक डायनेस्टी संगम काल की यहां बैठी थी, ना केवल इनको हराया, बकायदा अपने बाकी शत्रुओं को भी हराया, और इस टोंडाई मंडलम एरिया को उसने ऑक्यूपाई कर अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी, ठीक है। तो उसने ये टोंडाई मंडलम जो आज का तमिलनाडु का एरिया है, यहाँ पर अपनी इंडिपेंडेंस घोषित करी, और यहाँ पर एक डायनेस्टी चलाई जिसका नाम क्या था, पल्लव डायनेस्टी। अपनी कैपिटल को क्या बनाया, कांची, कांची वॉज देयर कैपिटल। और जितना कावेरी का रिवर है, जो कावेरी रिवर है, कावेरी रिवर का जितना पार्ट था, जितना एरिया था कावेरी रिवर का, डेल्टिक रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रोडक्टिव रीजन है, तो इस पार्ट में उसने अपना एम्पायर चलाया, ठीक है। तो आई रिपीट, सिम्हा विष्णु वॉज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट पल्लव किंगडम नियर द कावेरी रिवर, नियर द बैंक्स ऑफ कावेरी रिवर इन टोंडाई मंडलम एरिया, टोंडाई मंडलम यानी प्रेजेंट का तमिलनाडु, एंड ही मेड कैपिटल कांची, ठीक है, कांचीपुरम वॉज हिज कैपिटल, जो आजकल कांची नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्लियर है आपको, कोई डाउट है तो बताइए। मैं आपको 2 मिनट का, हाँ जी, कावेरी रिवर कांची उनकी कैपिटल थी, कांचीपुरम का जो एरिया वो उनकी कैपिटल थी। समुद्रगुप्त, हम अभी गुप्त काल में पढ़ेंगे इसको, समुद्रगुप्त वो राजा था जिसने नॉर्थ और साउथ को एक सूत्र से बांध दिया था, पूरे एरिया को कैप्चर कर लिया था, और उस समय का जो विष्णु गोपा था वो समुद्रगुप्त से हरा था। कावेरी रिवर के पास अपना पल्लव डायनेस्टी बनाई। चोला चेरा पांड्या संगम डायनेस्टी वैदिक काल के बाद शुरू हो गई थी, जब महाजनपद पीरियड हम पढ़ेंगे, मौर्य काल पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया, मौर्य काल में अशोक ने अपने शिलालेखों में, अपने पड़ोसियों के, उसने एक शिलालेख लिखे थे, उसमें से एक शिलालेख में उसने लिखा है कि अपने पड़ोसियों से आपके अच्छे संबंध होने चाहिए, और उस पड़ोसियों में उसने चोला चेरा और पांड्या का नाम लिखा था, ठीक है, चोला चेरा और पांड्या का नाम लिखा था। तो ये मौर्य काल से थे,
ठीक है, जो संगम डायनेस्टी थी वो मौर्य काल से चल रही थी, ठीक है, पर जो पल्लव थे उन्होंने संगम डायनेस्टी को हराकर खुद एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया हुआ। जो पल्लव थे, वैसे तो मैंने आपको बताया थ्री फेसेस है, विष्णु गोपा और भी लोग थे, पर इंडिपेंडेंट एम्पायर किसने बनाया था? इंडिपेंडेंट अपायर, ठीक है, इंडिपेंडेंट अपायर सिम्हा विष्णु ने बनाया था, और उसी ने ही अपनी कैपिटल कांची को बनाया था, ठीक है। सिम्हा विष्णु वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर एंड फाउंडर ऑफ दिस एम्पायर, और उसने कांची को अपनी कैपिटल बनाई थी कावेरी नदी के। जब आप सेटलमेंट ज्योग्राफी शुरू होगी क्या आपकी, ह्यूमन ज्योग्राफी या सेटलमेंट ज्योग्राफी शुरू होगी आपकी क्या? जब आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, सुनिए, जब आप ह्यूमन ज्योग्राफी या सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें आपको आएगा सेटलमेंट में कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सेटलमेंट को बढ़ावा देते हैं, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए आप कि सेटलमेंट्स जो ज्यादातर होती है वो फर्टाइल रीजन में होती है, जो प्लेन एरिया में सेटलमेंट्स होती हैं वो कंडेंस होती हैं, फर्टाइल रीजन में होती हैं ताकि वहां पर खेती हो सके, पानी मिल सके। डेजर्ट एरिया में सेटलमेंट कभी नहीं हो सकती, ठीक है। माउंटेन्स में जो सेटलमेंट होती है छोटे छोटे गांव होते हैं, ठीक है, वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं और स्कैटर्ड होती है, ये सेटलमेंट ज्योग्राफी है। तो इसका कोई बड़ा रीजन नहीं है कि क्यों वो कावेरी रिवर के पास चले गए थे। कावेरी रिवर के पास इसलिए गए थे, उनको वहां से जल मिलता था, इरिगेशन के लिए पानी मिलता था, और फर्टाइल एरिया थी, एलुवियल सोयल है, पता होगा आपको, फर्टाइल सोयल है जहाँ से उनको अन्न भी प्राप्त होता था और पान जल भी प्राप्त होता, ट्रांसपोर्ट का भी मीन्स था कावेरी रिवर, ठीक है। इसलिए सिम्हा विष्णु ने पल्लव डायनेस्टी को कावेरी नदी के किनारे बसाया था। क्लियर है? तो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको मैं, इसको कोरिलेट कर लिए, पढ़ लिए इसको अच्छी तरह से, पढ़ेंगे उसके बाद हम आगे फिर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा लंबा चैप्टर है और कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। देखिए 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी इसको रिकॉल करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलें आगे, शुरू करें आगे फिर। ठीक है, तो अब हम पॉलिटिकल हिस्ट्री को शुरू करते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री मैंने आपको बताया, सीमा विष्णु वाज़ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ पल्लव डायनेस्टी, फर्स्ट फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट पल्लव डायनेस्टी, ये आपको बता चुका हूँ। सीमा विष्णु के बाद जो अगला रूलर आया वो कौन था? महेंद्र वर्मन वन। इसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था जब हम पुलकेशिन टू के बारे में पढ़ रहे थे, तो महेंद्र वर्मन वन, ठीक है। तो महेंद्र वर्मन वन जो था, जब इसी के काल में चालुक्यास और पांडवास का जो स्ट्रगल था वो स्टार्ट हुआ। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया कि पुलकेशिन टू किस तरह से महेंद्र वन से उसकी लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो इस समय आकर चालुक्या और बदामी और पल्लवा डायनेस्टी की लड़ाई आपस में स्टार्ट होगी, और उस समय जैसे आपको पता है चालुक्य डायनेस्टी का रूलर कौन था? पुलकेशिन टू। और पुलकेशिन टू ने किया कावेरी नदी को क्रॉस कर महेंद्र वन को एट द बैटल ऑफ पुलुरु, एट द बैटल ऑफ पुलुरु महेंद्र वन को उसने हरा लिया, ठीक है। तो ये आप कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। महेंद्र वन को जो हार मिली थी वो किससे मिली थी? वो
पुलकेशिन टू से मिली थी। ठीक है, क्लियर है। देखिए महिंदर वर्म जो वन था, महिंदर वर्मन जो वन था वो बेसिकली एक जैन अनुयायी था। ठीक है, ही वॉज जैन बाय रिलीजन, वो बेसिकली जैन धर्म को मानता था, पर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो शैव धर्म का अनुयायी हो गया। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो शैव धर्म का अनुयायी हो गया, और ऐसा माना जाता है उसको शैव धर्म में लेके आने वाले एक शैव संत थे जिनका नाम क्या था, संत अपार। संत अपार वो संत थे जो इनको पहले, जो ये जैन धर्म के थे, इनको शैव धर्म में जिन्होंने कन्वर्ट कराया। शैव धर्म में वो इन्हीं संत की कृपा से, इन संत से इन्फ्लुएंस होकर वो शैव धर्म में कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, दूसरी बात, पल्लव डायनेस्टी, पल्लव पीरियड, इसी के टाइम पे क्या हुआ, साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई। भक्ति मूवमेंट शुरुआत जो हुई है साउथ इंडिया में वो किसके टाइम पे हुई थी, वो महेंद्र वर्मन वन यानी पल्लव डायनेस्टी के टाइम पे हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। भारत में भक्ति मूवमेंट की शुरुआत नॉर्थ इंडिया से नहीं हुई थी, भक्ति मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी पल्लव डायनेस्टी के टाइम पे साउथ इंडिया में, टोंड मंडलम के एरिया में, तमिलनाडु से हुई थी। वहां पर ही शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले थोड़ी देर में या अगली क्लास में पढ़ेंगे, ये संत वहां पर केरला तमिलनाडु के एरिया में ही इनका जन्म हुआ था। बाद में इन रामानंदा के थ्रू ये जो भक्ति थी ये नॉर्थ इंडिया में पहुंची थी। ऐसा माना जाता है रामानंदा इज द सेतु, ही इज द ब्रिज फॉर द भक्ति टू रीच फ्रॉम साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको पहली बता चुका हूँ जैन धर्म का था ये। ठीक है, इसको शैव धर्म में किसने कन्वर्ट किया था, संत अपार ने। संत अपार जो एक शैव धर्म के संत थे उनके इन्फ्लुएंस में आकर ये शैव धर्म में कन्वर्ट हो गया था। और इसी के टाइम पे जो भक्ति मूवमेंट थी साउथ, भारत में सबसे पहले भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया में पल्लव डायनेस्टी के टाइम पे ही स्टार्ट हुई थी। क्लियर है इतना? क्लियर है आपको इतना? ऐसा माना जाता है महेंद्र वर्मन वन एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चर भी था, और उसने अपने टाइम पे बहुत ज्यादा केव टेम्पल्स बनाए थे। अपने टाइम पे बहुत ज्यादा केव टेम्पल्स बनवाए उसने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक इंस्क्रिप्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम क्या है, मंडाक पट्टू एक शिलालेख है। मंडाक पट्टू एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें उसको उसके केव टेम्पल्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो केव टेम्पल्स महेंद्र वर्मन वन ने अपने टाइम में बनाए थे, ठीक है, उन केव टेम्पल्स के बारे में एक इंस्क्रिप्शन में बताया गया जिसका नाम क्या है, मंडाक पट्टू इंस्क्रिप्शन। इस इंस्क्रिप्शन में जो महेंद्र वर्मन है उसको एक टाइटल दिया गया है, वो टाइटल का नाम क्या है, विचित्र चित्त। ऐसा माना जाता है कि जिसको मैक्सिमम केव टेम्पल्स हैं वो हवा में है, जमीन से टच नहीं है। ऐसे केव टेम्पल्स बाद में आपको विजयनगर एम्पायर में मिलेंगे, हम्पी में भी कुछ ऐसे केव टेम्पल्स हैं जो जमीन से थोड़ा सा ऊपर है, टच नहीं है जमीन के साथ, इस तरह से ये ऐसे हैं। ठीक है, इतनी बड़ी कलाकारी की जो टेम्पल्स हैं वो टच ही नहीं कर रहे, तो स्पेस के ऊपर स्टैंडिंग है, ये आज तक नहीं किसी को पता लगा, इसने इस तरह के टेम्पल्स बनाए। दूसरा, इसके टेम्पल्स में खास चीज क्या है, उन केव टेम्पल्स जो उसने बनाए थे उसको बिना किसी पिलर के, बिना किसी सपोर्ट के वहां पर टिका के रखा हुआ है, तो ऐसे टेम्पल्स आपको बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, इसलिए इनको क्या टाइटल दिया गया, विचित्र चित्र। भैया कोई विचित्र ही चित्र है ये जिसने ऐसे टेम्पल बना दिए, हम नहीं बना सकते। ठीक है, बड़े बड़े कलाकार इस टेम्पल की समझ नहीं पाएगी इस टेम्पल्स को कैसे बनाया गया, इसलिए इसको क्या बोला गया, विचित्र चित्र। क्लियर है, इसके बारे में क्लियर है आपको? ठीक है, आगे
ना केवल टेम्पल्स में, ये पेंटिंग्स में भी बहुत ज्यादा अपना इंटरेस्ट रखता था। और इसकी जो पेंटिंग थी, ठीक है, इसकी जो पेंटिंग थी आज भी बहुत मशहूर है। ठीक है, इसको पेंटिंग्स के कारण, जो ये पेंटिंग्स बनाता था, अद्भुत पेंटिंग्स बनाता था, उसके कारण इसको एक उपाधि मिली गई थी जिसका नाम क्या था, चित्र करपुली। चित्र करपुली, चित्र कर पुली का उसको एक टाइटल मिला था, कि इसकी पेंटिंग्स आज भी बहुत मशहूर है, ना केवल पेंटिंग्स में बल्कि आर्किटेक्चर में भी वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता था। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, इसने एक संस्कृत में ड्रामा भी लिखा था जिसका नाम क्या था, मत विलास पराशरम। ये कॉमेडी बुक है, ये कॉमेडी बुक है, ठीक है, जिसमें कॉमेडियन ड्रामास आएंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि कपिल शर्मा के पिताजी रहे होंगे ये पिछले जन्म में, ठीक है, तभी कपिल शर्मा एक निकला अद्भुत। ठीक है, तो मत विलास पराक्रम, ठीक है, इस नाम की उसने एक संस्कृत ड्रामा लिखा था जिसमें टोटल कॉमेडी थी। ठीक है, मत विलास पराक्रम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ इसका अंत कैसे हुआ था, ही वॉज किल्ड बाय पुलकेशिन टू। पुलकेशिन टू जो चालुक्य डायनेस्टी का राजा था, उसने इसको मारा। क्लियर है? देखिए 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसको पढ़िए, इसको समझिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चले। हाँ महिंद्र वन के बाद उसका बेटा जो था उसका नाम क्या था, नरसिम्हा वर्मन वन। तो महिंद्र वन के बाद नरसिम्हा वर्मन वन जो था वो गद्दी पर बैठा। और मैंने आपको पहली कल इसके बारे में काफी कुछ बता चुका हूँ, ठीक है, कल जब हम चालुक्य के बारे में पढ़ रहे थे। तो नरसिम्हा वर्मन वन था, इसको ही वाज़ अ ग्रेट रेसलर, पहली बार ये बहुत ताकतवर रेसलर था। ठीक है, ऐसा माना जाता है केली रेसलिंग में ये बहुत कलाकार था, चार चार लोगों को हरा देता था। ठीक है, ये भी अंडरटेकर का बाप ही था। ठीक है, तो अंडरटेकर भी इससे सोच समझ के आया होगा, गुरु दक्षिणा लेके आया होगा। तो ही वाज़ अ ग्रेट रेसलर ऑफ साउथ इंडिया एट दैट टाइम। ठीक है, द ग्रेट ग्रेट अंडरटेकर ऑफ इंडिया, ठीक है, नरसिम्हा वर्मन। ठीक है, तो इसलिए बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही वॉज द ग्रेट रेसलर ऑफ दैट टाइम, ही वॉज ऑल्सो नोन एज, ही गॉट द टाइटल नोन एज मामला। टाइटल मिला था मामला। मामला का मतलब क्या होता है, अगर आप तमिल लैंग्वेज में मामला को, बेसिकली रेसलर को मामला कहा जाता है। ठीक है, तो इसको एक उपाधि दी गई थी लोगों द्वारा, मामला। ठीक है, तो मामला ही वॉज बेसिकली द ग्रेट रेसलर ऑफ दैट टाइम। सेकेंडली, मैंने आपको पहले ही बताया कि पुलकेशिन टू को हराने वाला कौन था, पुलकेशिन टू को हराने वाला नरसिम्हा वर्मन वन था। ठीक है, तो पुलकेशिन टू को उसने किस युद्ध में हराया था, द बैटल ऑफ मनी मंगलम। बैटल ऑफ मनी मंगलम, एट बैटल ऑफ मनी मंगलम ही डिफीटेड पुलकेशिन टू। और पुलकेशिन टू को ना केवल उसने हराया, बकायदा बदामी, जिसका दूसरा नाम क्या था, वतापी, प्रतापी कैपिटल को जीता और उसको अपने पल्लव डायनेस्टी में उसने मिलाया। और वतापी को क्योंकि उसने जीता रहा, तो उसने एक उपाधि धारण की जिसका नाम क्या था, वतापी कोंडा का मतलब क्या है, वतापी को जीतने वाला। ठीक है, बदामी को जीतने वाला, वतापी कोंडा। और इस बारे में, इस बैटल के बारे में एक इंस्क्रिप्शन में, कुछ प्लेट टाइप की इंस्क्रिप्शन मिली है पल्लव टाइम पे, ठीक
मनी मंगलम क्या था, मैं आपको फिर बताया हूँ, मनी मंगलम वाज़ द बैटल, ठीक है, कल भी बताया था, बैटल ऑफ मनी मंगलम इन विच ही डिफिटेड पुलकेशिन टू, ठीक है, इन बैटल ऑफ मनी मंगलम, क्लियर है, बैटल ऑफ पुलेरु जिसमें महेंद्र वन को उसने हराया था, और बैटल ऑफ मनी मंगलम जिसमें इसने पुलकेशिन टू को हराया था। पूछना कौन है, क्लियर है आपको? वतापी कोंडा, वतापी, मैंने आपको बताया था कि चालुक्य डायनेस्टी की जो कैपिटल थी उसका नाम बादामी था, उसको वतापी भी कहा जाता था, तो इसका क्या था, वतापी कोंडा, ठीक है, ये इसने उपाधि धारण की थी जब उसने जीता। वतापी को जीत कर नेचुरली या अपने एम्पायर में मिलाएगा, ठीक है, ये तो भैया नेचुरली है, या जग में या रूह अफजा में तो मिलाएगा नहीं। हाँ, अपने पल्लव एम्पायर में मिलाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे चलें। तो उसने अपने टाइम पे एक शहर को उसने बनाया, ठीक है, जिस शहर का नाम क्या था, आज का महाबलीपुरम, यानी महाबलीपुरम जो शहर है, ठीक है, जो सिटी है तमिलनाडु की, उस शहर को किसने बनाया था, नरसिम्हा वर्मन वन ने, नरसिम्हा वर्मन वन ने, ठीक है, महाबलीपुरम शहर को बनाया, और यहाँ पर उसने कुछ टेम्पल्स बनाए, इन टेम्पल्स, केव टेम्पल्स, ठीक है, इन टेम्पल्स को क्या बोला गया, रथास, रथास, उसने यहाँ पर कुछ टेम्पल्स बनाए, ठीक है, जो केव टेम्पल से केव्स को, पहाड़ों को काट कर बनाए गए, इनको क्या बोला गया, रथास, मोनोलिथिक रथास, तो रथास क्या चीज है, ये केव टेम्पल से, ठीक है, केव को तोड़कर ये बनाया गया था, तो इनकी जो शेप थी वो कैसी दी गई, रथ की तरह दी गई, रथ की तरह इसकी शेप दी गई। अच्छा ठीक है, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मैं जरा पानी पी गया, ठीक है, आप इसको देखिए, ठीक है, 2 मिनट बस।
क्लियर है आपको? मोनोलिथिक रथास मैंने आपको पहले बताया कि जो उसने टेंपल्स बनाए थे वो केव्स को तोड़कर बनाए थे, ठीक है, केव्स को तोड़कर टेंपल्स बनाए गए थे। उन टेंपल्स की जो शेप थी वो ऐसा लगता है जैसे रथ है, रथ आपकी ओर आ रहा है, रथ की तरह की शेप बनाई गई थी। मोनोलिथिक का क्या मतलब है? वो एक रॉक के बने थे। देखो डिफरेंट टाइप की रॉक्स होती हैं, तो एक ही रॉक को काट कर मोनोलिथिक मतलब एक, मोनो का मतलब क्या है, एक, मोनोलिथिक एक रॉक को काट कर उसको शेप दी गई। कैसी शेप दी गई? एक रथ की तरह की शेप दी गई, तो तभी उसको बोला गया मोनोलिथिक रथास, मोनोलिथिक रथास टाइप ऑफ टेंपल। क्लियर है? इसके बाद नरसिम्हा वर्मन के बाद अगला जो राजा बना उसका नाम क्या था? नरसिम्हा वर्मन टू, नरसिम्हा वर्मन टू। जैसे ही आपको इसमें दिख रहा है नरसिम्हा वर्मन टू ने जो टाइटल बनाया उसका नाम क्या था? राज सिम्हा, राज सिम्हा का उसने एक टाइटल अपनाया, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है, उसने बहुत ज्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाई थी कहाँ पे, कांचीपुरम में बहुत एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाई, और इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को क्या बोला गया? घटी कास्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन ये, घटी कास्ट। सो घटी कास्ट वॉज द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विच वर मेड बाय द पल्लव नरसिम्हा वर्मन टू और राज सिम्हा ड्यूरिंग हिज टाइम इन कांची, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। और ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन किससे रिलेटेड थी? हिंदुओं से रिलेटेड, हिंदू टेम्पल्स ने जिनका नाम क्या था? वेद पाठशाला, वेद पाठशाला। और इस टाइम आते आते इन एरियाज में कुछ मुसलमान, कुछ अरब अरब लोग भी आकर यहाँ पर सेटल हो गए थे। तो मुसलमानों के लिए जो उसने बनाया वो क्या बनाए? मदरसे, जो आज भी चलते हैं, ठीक है, मदरसे। तो उसने घटिकास बनाई, घटिकास यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दो रिलीजन के लोगों के लिए बनाई, हिंदू और मुसलमान। हिंदुओं को क्या बोला गया? वेद पाठशाला, और मुसलमानों की वो क्या बोला गया? मदरसा। क्लियर है? सबसे बड़ी बात क्या है, उसने अपने टाइम पे दो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बनाए। पहला टेम्पल कौन सा था? शोर टेम्पल, शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम, शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम। पहली बार उसने अपने टाइम पे टेम्पल बनाए, कौन सा टेम्पल? शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टेम्पल उसने बनाया वो कौन सा बनाया था? कैलाश नाथ टेम्पल, कैलाश नाथ टेम्पल एट कांचीपुरम, कैलाश नाथ टेम्पल एट कांचीपुरम। वेरी इंपॉर्टेंट, तो दो सबसे इंपॉर्टेंट जो उसने टेम्पल्स में आए थे वो कौन कौन से थे? शोर टेम्पल और कैलाश नाथ टेम्पल एट कांचीपुरम। क्लियर है? घट्टी का, नॉट कत्थी कास, इट इज घट्टी कास, ठीक है, GHATIKAS, घट्टी कास। तो घट्टी कास क्या था? घट्टी कास आर बेसिकली द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विच आर मेड बाय द पल्लवस, ठीक है, दो लोगों के लिए हुआ था, हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए। हिंदुओं के लिए जिनको वेद पाठशाला बोला जाता था, और मुसलमानों के लिए जिनको मदरसा बोला जाता था, ठीक है। ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है इसने काफी एम्बेसीज उस समय चाइना और अरेबियन कंट्रीज में भेजी थी, चाइना एंड अरेबियन कंट्रीज में उसने कई एम्बेसीज भेजी, जिससे हमको पता लगता है कि उनकी उसकी इन कंट्रीज से रिलेशन बहुत अच्छे थे, ठीक है, ट्रेड रिलेशंस बहुत ज्यादा अच्छे थे, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है, भारत का फेमस संस्कृत स्कॉलर, भारत का फेमस एक संस्कृत स्कॉलर जिसका नाम क्या था? डंडिन, डंडिन, ठीक है, भारत का फेमस संस्कृत स्कॉलर जिसका नाम क्या था? डंडिन, उसने उसके कोर्ट में बैठता था, ठीक है, इसका कोर्ट पोएट था, ठीक है। तो इसके कोर्ट पोएट का नाम कौन क्या था? डंडिन, जो क्या था, बेसिकली भारत का बहुत बड़ा संस्कृत स्कॉलर था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डंडिन, ठीक है, जो इसके कोर्ट में विराजमान था, इसका जो कोर्ट पोएट था उसका नाम क्या था? डंडिन, DANDIN, जो भारत का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट संस्कृत स्कॉलर, ठीक है।
चाइना के साथ उसके, चाइना के साथ उसके अच्छे रिलेशन थे, मैंने आपको तो बताया चाइना और अरेबियन कंट्रीज के उसके बहुत अच्छे रिलेशन थे, और उसने कुछ वहाँ पर एम्बेसीज भेजी थी, ठीक है, अपने दूतों को वहाँ पर भेजा था, जिससे हमको पता लगता है कि उनके अच्छे रिलेशन थे। ये दो टेम्पल किसने बनाए, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये दो टेम्पल नरसिम्हा वर्मन टू ने बनाए, जिसको राज सिम्हा भी कहा जाता था। कौन कौन से दो टेम्पल थे, पहला शो टेम्पल एट महाबलीपुरम और कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम, ठीक है, क्लियर है, देखो इसको जरा पहले। ठीक है, जो आखिरी इनका किंग था उसका नाम क्या था, अपराजित वर्मन, अपराजित वर्मन, तो ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ पल्लव डायनेस्टी, अपराजित वर्मन, एंड ही वॉज डिफीटेड बाय, ठीक है, जैसा नाम था वैसा उसने काम नहीं किया, पहली लड़ाई में हार गया, ठीक है, ही वॉज डिफीटेड बाय चोला डायनेस्टी। उस समय जो चोला, संगम वाले चोला थे, वो फिर से सिर उठाने लग पड़े, और चोला डायनेस्टी का एक राजा था जिसका नाम क्या था, आदित्य, आदित्य चोला, आदित्य चोला, ठीक है, तो आदित्य चोला द्वारा जो पल्लव डायनेस्टी का आखिरी रूलर था जिसका नाम क्या था, अपराजित वर्मन, उसको हरा दिया गया और पल्लव डायनेस्टी का अंत हुआ। और पल्लव डायनेस्टी के सक्सेसर कौन थे, पल्लव डायनेस्टी को हरा कर जो टोंड मंडलम का एरिया था वहां पर एक नई डायनेस्टी आई, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, जिसका नाम क्या था, चोला डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, ठीक है, क्लियर है, तो ये इसकी क्या थी, पॉलिटी थी। दोबारा बता रहा हूं, अपराजित वर्मन पल्लव डायनेस्टी का आखिरी रूलर था, और उसको किसने हराया, चोला डायनेस्टी का रूलर आदित्य चोला ने, आदित्य चोला ने हराकर पल्लव डायनेस्टी पर अपना शासन चलाया, और वहां पर एक नया एम्पायर खड़ा कर दिया जिसका नाम क्या था, चोल डायनेस्टी, यानी चोल डायनेस्टी राइज ऑन द रूइंस ऑफ पल्लव एम्पायर, पल्लव एम्पायर को हरा कर ही चोल डायनेस्टी वहां पर आई। तो देखिए, मैं आप ध्यान से सुनिए, मैं बता रहा हूँ कि लास्ट जो रूलर था उसका नाम क्या था, अपराजित वर्मन, अपराजित वर्मन वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, एंड ही वाज डिफीटेड बाय आदित्य चोला, आदित्य चोला इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ चोल डायनेस्टी, ठीक है, जो चोल डायनेस्टी संगम पीरियड की, वो फिर से उठनी शुरू हो गई, उनके रूलर्स फिर से उठने शुरू हुए, और उन्होंने क्या किया, आदित्य वर्मन को हराकर पल्लवों का खत्म कर दिया, पल्लवों के एम्पायर को खत्म कर दिया, और वहां पर एक नई डायनेस्टी आ गई जिसका नाम क्या था, चोला डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, क्लियर है, ठीक है, तो अभी मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अब हमने आना है इसकी सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, इनकी रिलीजियस एरिया में सब में आना है, अभी ये लंबा चैप्टर है वो, ठीक है, तो इस करके 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जितना पढ़ाया गया उसको पहले पढ़ लीजिए, उसको कंसोलिडेट कर लीजिए, ताकि बाद में हमको दिक्कत ना हो, ठीक है, 5 मिनट्स की ब्रेक है, उसके बाद हम चलेंगे इनकी सोसाइटी कल्चर, इनका आर्किटेक्चर, इसके बारे में हम चलेंगे, ठीक है, 5 मिनट में आप इसको पहले रिकॉल कीजिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो, भूले ना ये।
चाइना और अरेबियन कंट्रीज के साथ जो अच्छे रिलेशन थे, मैं आपको पहले भी बताया, वो नरसिम्हा वर्मन 2 के थे, जिसको राज सीमा की भी उपाधि दी गई। चले आगे। आगे चलें, क्लियर है? संस्कृत का पोइट था एक, का नाम क्या था? दंडिन। ठीक है, वो राज सीमा जो था नरसिंह वर्मन टू, उसकी कोर्ट में बैठता था। तो अगला है पल्लव सोसाइटी। अब हम पल्लव सोसाइटी की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि जो साउथ इंडिया में वैदिक कल्चर आया था वो कौन लेके आए थे? वो लोग आर्यंस लेके आए थे। ठीक है, ऋषि विश्वामित्र, जब वो ऊपर से वो हारे तो वो नीचे आ गए और साउथ इंडिया में आकर उन्होंने अपना कल्चर बनाया। अब क्योंकि वो आर्यंस का ही एक ब्रांच थी साउथ इंडिया में, ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, तो इनका जो सोशल सिस्टम होगा नेचुरली वो वही होगा जो सोर्स में से निकले हुए हैं। ठीक है, तो इसकी भी जो सोसाइटी थी वो चार पार्ट्स में डिवाइडेड थी, चार वर्णों में डिवाइडेड थी। ठीक है, पहला वर्ण कौन सा था? ब्राह्मण। दूसरा वर्ण कौन सा था? क्षत्रिय। तीसरा वर्ण कौन सा था? वैश्य। और चौथा वर्ण कौन सा था? शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्लियर है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो सोसाइटी थी वो चार पार्ट्स में डिवाइडेड थी। क्यों? क्योंकि ये लोग भी वहां से आए हैं, वो ये लोग भी आर्यन कल्चर में से ही आए हैं। विश्वामित्र ही थे, उन्होंने भी कॉन्ट्रीब्यूशन किया हुआ था आर्यन कल्चर में, तो उन्होंने अपनी सोसाइटी को उस हिसाब से बनाया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहली बात। दूसरी बात, इस अब ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणिज्म ही चल रहा था। ठीक है, इसके अलावा बाकी रिलीजन भी वहां पर थे, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, और मुसलमान धर्म। मैंने आपको पहले ही बताया कि वहां पर मदरसे भी बनाए गए थे। ठीक है, राज सीमा ने मदरसे, इन लोगों ने मदरसे भी बनाए थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट ये हिंदू डायनेस्टी के लोग थे, पर वहां पर बाकी धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये भी धर्म थे। यानी एक सोसाइटी जो थी, एक डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हिंदू रूलर थे, हिंदू सोसाइटी थी, पर एक सेकुलर सोसाइटी भी थी। ठीक है, एक सेकुलर सोसाइटी भी थी। क्लियर है? देखिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया कि एक ब्राह्मणिकल सोसाइटी है, क्योंकि ये वैदिक सोसाइटी से निकली हुई है, तो चार धर्म है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मैंने आपको बताया कि महेंद्र वर्मन 1 पहले जैन धर्म का था, बाद में वो शैव धर्म में कन्वर्ट हुआ था, तो इसका मतलब क्या, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के लोग भी वहां पर थे। मैंने आपको घटिकास के बारे में बताया है, घटिकास यानी जहाँ पर हिंदुओं की मदरसे, हिंदुओं की पाठशालाएं थी और मुसलमानों के मदरसे थे, इसका मतलब मुसलमान लोग भी वहां पर बैठे हुए थे। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये एक हिंदू डायनेस्टी थी, स्टिल स्टिल एक सेकुलर सोसाइटी थी। ठीक है, एक सेकुलरिज्म था यहाँ पर। यहाँ पर क्या था, हर धर्म का लोग रह रहे थे। पॉलिटी पढ़ी है भाई? पढ़ी है पॉलिटी? प्रियम्बल पढ़ा क्या आपने? जवाब दीजिए हाँ या ना में। प्रियम्बल पढ़ा है? प्रियम्बल में क्या है, अवर सोसाइटी, हमारा देश क्या है, सेकुलर देश है। ठीक है, हमारा जो देश है वो सेकुलर सोसाइटी है, जहां पर हर धर्म के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म वेरी ब्रॉड कंसेप्ट। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर धर्म के, हर धर्म के लोग रह रहे हैं तो ये सेकुलर सोसाइटी हो गया। सेकुलर सोसाइटी बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इसमें क्या, यस, स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं है, इस स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं है,
पाकिस्तान इज नॉट द सेकुलर स्टेट, पाकिस्तान इज मुस्लिम स्टेट, उनका रिलीजन है। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई भी एक डिसीजन लेती है, ठीक है, स्टैंप जारी करती है, तो वो किसी रिलीजन के पैड पे नहीं करती, एक अपना स्वतंत्रता से करती है, एक सेकुलर देश है, धर्म निरपेक्ष देश है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सोसाइटी भी क्या थी, सेकुलर सोसाइटी। सबसे बड़ी बात किया है मैंने आपको बताया, भारत में सबसे पहले जो भक्ति भक्ति जो मूवमेंट थी उसकी शुरुआत कहां पर हुई थी, पल्लव डायनेस्टी के टाइम पे। इसी टाइम पीरियड में भारत में पल्लव डायनेस्टी के टाइम पे भक्ति मूवमेंट की स्टार्ट हुई थी। मैंने आपको ये भी बताया कि महिंदर वर्मन वन किस तरह से, वो जैन धर्म के थे और उनको शैव धर्म के एक संत अपार ने किस तरह से शैव धर्म में कन्वर्ट करवाया था, ठीक है। तो भक्ति मूवमेंट की जो शुरुआत थी वो कहाँ पर हुई थी, इधर हुई थी, पल्लव डायनेस्टी में थी। जब भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई तो भक्ति मूवमेंट में दो टाइप के संप्रदाय आए। पहला संप्रदाय कौन सा था, वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव सेंट, ठीक है। पहला संप्रदाय कौन था, वैष्णव सेंट, वैष्णव एज द नेम सजेस्ट, जो भगवान विष्णु को सुप्रीम मानते थे, ठीक है, जो भगवान विष्णु को कहते थे यही ब्रह्मा विष्णु में सब कुछ यही है, यही करता सकता है। दूसरे जो लोग थे उनका नाम क्या था, जो दूसरे जो भक्ति मूवमेंट में दूसरे अनुयायी है वो कौन थे, शैवियट, जो भगवान शिव को ग्रेट मानते थे, ठीक है, शैवियट। तो उनका ये मानना था शिव ही अपार है, ठीक है। और इस पीरियड के लिटरेचर में आप देखेंगे इन दो धर्मों के, इन दो, ये धर्म नहीं है बेसिकली, ये सेक्ट है, ठीक है। दीज आर नॉट धर्म, दीज आर नॉट रिलीजन, दे आर बिलोंग टू हिंदुइज्म, बट दे आर टू सेक्ट विद इन अ धर्म, विद इन द हिंदू रिलीजन दे आर टू सेक्ट। तो हम देखेंगे इन सेक्ट्स के बीच में आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता रहता था, ठीक है। जो शैवियट थे जिनमें ज्यादा लोग थे वो कौन थे, अघोरी लोग थे, नागे लोग थे, ठीक है। तो जो विष्णु भगवान के पूछते थे, ठीक है, जो वैष्णव थे वो इनको अच्छा नहीं मानते थे, वो इनको कहते थे ये सोसाइटी, ये तुम अभद्र परिवार से हो, तुम दूर जाओ, सोसाइटी से दूर रहो, ठीक है। आपका खाना पीना कपड़ा इन मांस, ये लोग क्या कहते, खोपड़ी के अंदर ही पानी पी जाते थे, अगर आपके सामने कोई खोपड़ी में पानी पी जाए तो क्या करोगे, ठीक है, क्या करोगे, मैं तो वहीं पर बेहोश हो जाऊंगा देख के, सिद्धि वाला भैया मैं तो बोल रहा हूँ मुझे बहुत डर लगता है, ठीक है। तो अब ऐसे लोग जो हैं, ठीक है, ऐसे आपके सामने कोई आ जाए आपके सामने बैठ के कोको कोला पी ले खोपड़ी के अंदर, ठीक है, तो नेचुरली आप उसको कहोगे ना भैया दूर रहो आप यहाँ से, ठीक है। तो ऐसी प्राचीन कथाएं भी मिलती हैं, सती संवाद, महाराजा दक्ष के बारे में आपको पता लगेगा कि ये लोग क्या होंगे, ये लोग कहते थे कि शैव धर्म के लोग दूर रहो, अघोरी लोग दूर रहो यहाँ से, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपस में पंगा पड़ा ही रहता था, ठीक है। तो शैव धर्म के जो संत थे उनको क्या बोला जाता था, नैयर संत। शैव धर्म के जो संत थे उनको क्या बोला जाता था, नैयर संत, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जो शैव धर्म के संत थे उनको एक नाम से जाना जाता था, नैयर, ठीक है। और जो वैष्णव धर्म के संत थे, ठीक है, उनका नाम था आचार्य, आचार्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नैयर्स, नैयर्स कौन थे, शैव धर्म के संत थे जो शैव धर्म को मानते थे, ठीक है। यानी अपार जो संत थे वो कौन थे, वो बेसिकली शैव धर्म के, नैयर, उनको उपाधि दी जाती थी नैयर, ठीक है। और जो वैष्णव धर्म के थे उनका नाम क्या था, आचार्य। कई जगह आपको इनका नाम लेगा अलवर, इनको अलवर भी कहा जाता था, वैष्णव धर्म के संतों को अलवर भी कहा जाता था, अलवर, ठीक है, क्लियर है, इतना बताइए क्लियर है तो आगे चले। पल्लव लिटरेचर में, इस डायनेस्टी के लिटरेचर में एक लेडी सेंट का नाम भी आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक लेडी वैष्णव संत का नाम आता है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, लेडी वैष्णव संत, इसका नाम क्या था, अंडाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है ये, अंडाल, अंडाल वॉज द लेडी वैष्णव संत और लेडी अलवर सेंट इन पल्लव पीरियड, अंडाल,
लेडी वैष्णव संत या लेडी अलवर संत जो पल्लव पीरियड में थी, जिसका नाम पल्लव लिटरेचर्स में आता है, उसका नाम क्या था? अंडाल, ANDAL, अंडाल वॉज द लेडी वैष्णव सेंट। क्लियर है? इतना क्लियर है तो बताइए, आगे चलें फिर। तो कांची जो था इस टाइम पे, जो कांची था, मैंने आपको बताया कांची वॉज द कैपिटल ऑफ पल्लव डायनेस्टी, इट वॉज द एजुकेशन सेंटर ऑफ दैट टाइम। ठीक है, इट वॉज द एजुकेशन सेंटर ऑफ दैट टाइम। मैंने आपको बताया घटिकास के बारे में, ठीक है। तो मेजर जो ये घटिकास थी, ये कहाँ पर थी? ये कांची में थी। कांची उस टाइम पे एजुकेशन का सेंटर बन गया था। और भारत के बड़े बड़े जो किंग्स थे, हम आगे जाके पढ़ेंगे, जैसे पाल डायनेस्टी का, पाल डायनेस्टी हम पढ़ेंगे बंगाल की, उस डायनेस्टी का एक किंग था जिसका नाम क्या था? धर्मपाल। ऐसे बड़े बड़े राजा भी कांची में आकर पड़े थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? डंडिन के बारे में आ रहे हैं, आपको बताया था डंडिन जो था, ही वॉज अ संस्कृत स्कॉलर, ही वॉज अ संस्कृत स्कॉलर। और बेसिकली वो किस धर्म का था? वो बौद्ध धर्म का था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो बौद्ध धर्म का था, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो बौद्ध धर्म का था, बौद्ध धर्म पाली लैंग्वेज को मानता है, वो पाली लैंग्वेज की लिटरेचर है, उसने संस्कृत लिटरेचर में लिखा था। उसने भी जो एजुकेशन ली थी डंडी ने, कहाँ पर ली थी? कांचीपुरम में ली। कांचीपुरम द एजुकेशन सेंटर एट दैट टाइम। सबसे बड़ी बात यह है, जो नरसिम्हा वर्मन वन था, जिसके बारे में आपको बताया, अवर अंडरटेकर, हमारा जो प्यारा अंडरटेकर नरसिम्हा वर्मन वन, जिसने पुलकेशिन टू को हराया था, ठीक है, उसके टाइम पे भी ह्यून सैंग उसकी कोर्ट में आया था। मैंने को बताया कि ह्यून सैंग जो आया था, तीन लोगों की कोर्ट में था। पहला वो आया था हर्ष की कोर्ट में, दूसरा आया था वो पुलकेशिन टू के पास, और तीसरा हमारे अंडरटेकर के पास, यानी नरसिम्हा वर्मन वन के पास, मामला के पास, ठीक है। तो इस ह्यून सैंग ने भी अपनी जो किताब थी सी यू की, उसमें माँ कांची के बारे में बहुत वर्णन किया हुआ है, हाउ कांची वॉज द रिलीजियस एंड एजुकेशन सेंटर इन साउथ इंडिया एट एंशियंट मेडिवल टाइम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो जो क्लियर है आपको इतना? ठीक है, तो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसका राउंड लगाओ अच्छी तरह से, ठीक है। धर्मपाल मैं दोबारा बता रहा हूँ, धर्मपाल हम अभी पढ़ेंगे इस डायनेस्टी के बारे में, पाल डायनेस्टी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बड़ी बड़ी डायनेस्टीज जो थी, उनके रूलर्स भी कांची में आके पढ़ते थे। अभी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। धर्मपाल एक पाल डायनेस्टी का था, बोध, ठीक है। जो डंडेन था, कोटबोइड था, ठीक है, जो नरसिम्हा वर्मन टू का, ठीक है, या राजसिम्हा वर्मन का, वो बेसिकली बुद्ध धर्म को था मानता था, बुद्ध धर्म को मानता था। पर लेटर ऑन उसने, आप देखो, बुद्ध बुद्ध धर्म जो है वो पाली लैंग्वेज में उसकी लिटरेचर है, जो पटीक जो है वो पाली लैंग्वेज के हैं। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट उसने संस्कृत लैंग्वेज में प्ले लिखे थे, यानी ये माना जाता है जो डंडिन ने भी संस्कृत कहाँ पर सीखी थी? कांची में आकर सीखी थी। कांची एक यूनिवर्सिटी थी वहां पर, नालंदा की तरह। क्लियर है आपको? ठीक है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी पढ़िए। फिर हम अगला जो टॉपिक है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पल्लव एम्पायर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पल्लव एम्पायर। 2 मिनट के बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
चले आगे। तो अगला जो टॉपिक है, तो अगला टॉपिक है वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर चोला एम्पायर। ठीक है, तो जैसे बाकी एम्पायर्स में भी हुआ, उसमें भी देखा गया, इसमें भी देखा गया, जो एडमिनिस्ट्रेशन था ठीक है, उसमें क्या हुआ, किंग वॉज द सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटर, ही वॉज द सुप्रीम, हर चीज जो मेन जो सेंटर था एडमिनिस्ट्रेशन का वो कौन था, किंग था। यानी किंग के पास सारी जुडिशियल पावर्स भी थी, किंग के पास सारी मिलिट्री पावर्स भी थी, और किंग अल्टीमेटर डिसीजन मेकर था। ठीक है, किंग को असिस्ट करने के लिए क्या थे, उनके मंत्री थे, किंग को असिस्ट करने के लिए ऑफिसर्स थे, पर उन लोगों को भी रिपोर्टिंग किसको देनी पड़ती थी, किंग को देनी पड़ती थी। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेन हेड था वो कौन था, किंग था। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, द एम्पायर जो पल्लव एम्पायर था उसको प्रोविंसेस या डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया था, जैसे हमने उसमें पढ़ा था एकता, ठीक है ना, तो इसको भी छोटे छोटे प्रोविंसेस या स्टेट्स में डिवाइड किया गया था, और इन प्रोविंसेस को क्या बोला गया था, एक टर्म है जिसका नाम क्या है, कोटम। इन प्रोविंसेस को क्या नाम दिया गया था, कोटम्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो स्टेट, ये जो कोटम का जो हेड होता था, इसको डायरेक्ट कौन अपॉइंट करता था, किंग अपॉइंट करता था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो दिल्ली सल्तनत में तो ये देखने को मिल रहा है, जो प्रोविंसेस को एकता बोला गया, एकता के हेड को क्या बोलते थे, एकता और कहते थे, एकता को कौन अपॉइंट करता था, सुल्तान करता था। इस तरह से ये भी है कि प्रोविंसेस जो थे, प्रोविंसेस को क्या बोला गया, अब कोटम्स। ठीक है, कोटम्स का जो अपॉइंटमेंट थी, जो ऑफिसर्स, इनको कौन अपॉइंट करता था, किंग अपॉइंट करता था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है, पल्लव एम्पायर वो टाइम है जब भारत में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ। तो बताओ मुझे मेरे बंधु, पॉलिटी के बंधु, बताइए मुझे डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, बट यू मीन में डिसेंट्रलाइजेशन, नो नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, देयर इज डिफरेंस बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। देखिए ये लगते एक जैसे हैं पर फर्क है इसमें, नॉट ऑल, अगर ऑल पावर्स वेस्टेड इन किंग होती है वो सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, नो डिसेंट्रलाइजेशन। जब आप पॉलिटी में डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें दो चैप्टर्स आएंगे जिनका नाम क्या होगा, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, 11th एंड 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब लोकल गवर्नमेंट्स को, यस लोकल गवर्नमेंट्स को, नॉट प्रोविंसेस, प्रोविंसेस से भी नीचे, ग्रास रूट लेवल, देयर इज द टर्म इन पॉलिटी जिसका नाम क्या है, ग्रास रूट लेवल, ग्रास रूट लेवल तक पावर्स दे देना, ग्रास रूट लेवल तक उनको डिसीजन मेकिंग पावर देना, एडमिनिस्ट्रेशन को ग्रास रूट लेवल तक ले जाना, यानी विलेजेस तक, सबसे नीचे वाला कौन है, विलेज है, लोकल गवर्नमेंट को पावर दे देना। ठीक है, तो भारत में डिसेंट्रलाइजेशन की जो शुरुआत प्रॉपर टर्म में, वैसे तो डिसेंट्रलाइजेशन वैदिक काल में आ चुका था, पर वैदिक काल में क्या था, वो खुद ही एक कबीलाई लोग थे, ठीक है, उस समय कोई सेंटर पावर नहीं थी, तो भारत में प्रॉपर तरीके से जब डिसेंट्रलाइजेशन की कंसेप्ट आया था, विलेजेस को ज्यादा पावर दे देने का कंसेप्ट जो आया था, वो किसके टाइम पे आया था, पल्लव के टाइम पे आया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में पल्लव डायनेस्टी के लिटरेचर में सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन का, विलेजेस को, ग्राम सभा को पूरी पावर दी गई, ठीक है, उनको पावर होती थी टैक्स कलेक्शन की, आप टैक्स कलेक्ट करो, और उस टैक्स को कहा कुछ पार्ट आगे राजा को दे दो, बाकी पार्ट विलेज की ग्राम सभा यूज करती थी डेवलपमेंट में। दूसरा काम क्या था, इरिगेशन फैसिलिटीज, विलेज की जो गवर्नमेंट थी, असेंबली थी, वो इरिगेशन के लिए केनाल्स बनाती थी, टैंक्स बनाती थी, और इसको असिस्ट कौन करता था, सेंटर, सेंटर पैसा देती थी सीधा विलेजेस को कि आप वहां पर इरिगेशन बनाओ, एड करो।
विलेज जो ग्राम सभा थी वो जस्टिस सिस्टम भी चलाती थी, जो ग्राम सभा थी उनको एक कोर्ट की तरह ट्रीट किया जाता था। आज भी पंचायत में फैसले होते हैं, पंच कहते नहीं, पंच जो होते हैं वो एक जज है, भगवान है, तो जब वो डिसीजन देने लगते हैं तो उनके अंदर परमात्मा होता है, ठीक है ना। तो पंचों को पावर दी गई कि आप सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में देखिए, ठीक है, आप ट्रीट करिए, और जो उनके आगे पंचों का जो डिसीजन होता उसको आगे चैलेंज भी किया जाता था किंग के पास, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या हुआ कि सरपंचों को पूरी पावर दी गई, यानी विलेजेस को डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स की शुरुआत हो गई। उनको ये भी पावर थी कि वो टैक्स कलेक्ट करते थे, ग्रामीण लोग टैक्स भी कलेक्ट कर सकते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और जितने भी इनका जो होता रिकॉर्ड होता था, ये ग्रामीण लोग हर चीज का एक रिकॉर्ड रखते थे जो सेंटर के ऑफिसर्स को देते थे, जो आगे राजाओं को पहुंचाते थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो नई डेवलपमेंट इस टाइम पे हुई थी, एक लैंड ग्रांटिंग, ठीक है, ब्राह्मणों को लैंड दिया जाता था जिसका नाम क्या था, जो टेंपल से भारत में जो टेंपल से टाइम पे उन टेंपल्स को फ्री लैंड दिए जाते थे जिनका नाम क्या था, देवदान। देवदान, ठीक है, टेंपल्स को फ्री में दान दिया जाता था, देवदान, फ्री लैंड, ठीक है। इन जो ये जो टेंपल्स से, ठीक है, टेम्पल्स को फ्री लैंड देने की जो प्रथा है, ठीक है, वो किसने चलाई थी, सतवाहनों ने, सतवाहन डायनेस्टी। इसके बारे में हम एंशियंट इंडिया में पढ़ेंगे। भारत में टेम्पल्स को और ब्राह्मणों को फ्री में लैंड देने की, टैक्स फ्री लैंड, मतलब लैंड ले लो वहां पर पूजा करो, अर्चना करो, खाओ पियो नाचो गाओ जो मर्जी करो, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो ये किस डायनेस्टी ने चला था, सतवाहन डायनेस्टी ने, ठीक है। और इसी को कंटिन्यू किसने किया, पल्लव डायनेस्टी ने, जो टेम्पल से उनको फ्री लैंड्स दिए गए, आप टेम्पल बनाई, ठीक है, टेम्पल्स में आप जो करिए, बिजली बिजली तो खैर वहां पर क्या थी, जो भी है आप वहां पर उनको एक लैंड दे दिया था, उनको खेत दे दिया जाता था, वो टेम्पल क्या करता था, उस खेत में एक टेम्पल बना दिया जाता था, जो टेम्पल के प्रीस्ट होते थे उन खेत में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते थे, जो अन्न उगता था, जो सब्जियां उगती थी उसको वो अपने लंगर पानी में मतलब करते थे। वो लग पाता था कि हमारे यहाँ के जो प्रीस्ट हैं वो एक नंबर के सबसे तेज हैं, ठीक है। अब हमारे नीचे पर्सनल लंगर लगा हुआ था, ठीक है, आधे तो प्रीस्ट अपने घर में ही ले गए, ठीक है, हम लोगों लिए तो बचा ही कुछ नहीं, ठीक है। तो वो लगवा था, ठीक है, तो उनको एक लैंड मिला जाता था, ठीक है, उस लैंड में क्या था, वो सब कुछ उगाते थे, ठीक है। तो उस चीज को कहाँ पर यूज होता था, उस चीज को उसके लंगर पानी में यूज होता था, ठीक है, और इसका कोई टैक्स नहीं होता था, इस लैंड का कोई टैक्स नहीं होता था, इस लैंड को क्या बोला जाता था, देवदान। इसी तरह ब्राह्मणों को भी पर्सनल कोई लैंड दिए जाते थे, जो बड़े बड़े आचार्य थे, ठीक है, उनको भी लैंड दिए जाते थे, जिनका नाम क्या था, ब्राह्मण दे, ठीक है। तो इनको भी लैंड दिए जाते थे, इस लैंड का भी कोई टैक्स नहीं होता था, यानी हमारे प्यारे बंधु ब्राह्मणों की जय जय का लॉटरी निकल गई, ठीक है, उधर से भी ले लो इधर से भी खा लो, ठीक है। तो ये हमारे पंडित लोग तभी कहते हैं ना, ब्राह्मण देवता है, ये हमारे देव लोग हैं, ठीक है। तो हिंदू धर्म के देवताओं इनको पूरा माना गया, ठीक है, हमसे पूछो कौन से देवता है ये, ठीक है, बीइंग द हिंदू फ्रॉम हिंदू रिलीजन, ठीक है, हमको पता ही है क्या है, ठीक है। तो चलो ब्राह्मण दे, ठीक है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इसकी जो शुरुआत थी वो सतवाहन पीरियड ने दी हुई थी, पर इसका जो बेसिकली साउथ इंडिया में स्टार्टिंग थी वो पल्लव डायनेस्टी में। क्लियर है आपको, इतने में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ब्राह्मण थे, जब ब्राह्मणों को मिलता था पर्सनली लैंड मिलता था, ठीक है, पर्सनली लैंड दिया था जिसमें वो खाना पीना जो भी उगा उगू के वो अपने लोग बच्चों का पेट पालते थे, तो उस लैंड का कोई टैक्स नहीं होता था, वो खेती करते थे उसमें, उसको क्या बोलता, ब्राह्मण दे, देवदान जो टेम्पल को दिया जाता था,
सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जो टेम्पल्स थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, जो टेम्पल्स थे वो बैंक का भी काम करते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे हो रहा साउथ इंडिया के टेम्पल अभी खजाने खुल रहे हैं तो बड़े बड़े अमीर टेम्पल हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि साउथ इंडिया के टेम्पल से बड़े बड़े खजाने हैं, अरे भैया माल बहुत इकट्ठा हुआ हुआ है वहां से, ठीक है। क्योंकि जो एशियन इंडिया में जो ये टेम्पल्स थे ये बैंक का काम भी करते थे, यानी ब्याज भी देते थे, सूद भी देते थे, पूरा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की तरह ये काम करते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और ये साउथ इंडिया में हुआ था, हमारे बजाय नॉर्थ इंडिया के टेंपल ऐसे नहीं है, वहां वहां तो सिर्फ पहर जितना भी था, पैसा था, धन था, सारे तो वो लूट के चले गए मुसलमान और अंग्रेज, ठीक है। पर यहाँ पर ऐसा नॉर्थ इंडिया के टेंपल्स में आपको ये चीज नहीं मिलेगी, ये चीज आपको साउथ इंडिया के टेम्पल्स में मिलेगी। नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में आपको पंडित जी मिलेंगे जो आपसे दक्षिणा मांगेंगे, ठीक है। तो नॉर्थ वहां के जो पंडित हैं साउथ इंडिया के, वो पांडे हैं, वो रजे हुए हैं, ठीक है, पहले से ही। तो यहाँ पर नहीं रजे हुए, तो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में ये प्रथा नहीं थी। साउथ इंडिया के टेम्पल से पल्लव और चोल पीरियड में भी आप देखेंगे कि ये बैंकिंग सिस्टम चलाते, ठीक है। क्लियर है आपको? तो देखिए इसको, 5 मिनट देखिए, पढ़िए, फिर हम इसके बाद लास्ट टॉपिक जो है, ठीक है, पल्लव डायनेस्टी का, वो शुरू करेंगे, जिसका नाम क्या, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। देखिए जरा, जो कुछ मैंने आपको बताया सबका सब जो है वो आपको महेश कुमार भरवल की बुक में मिल जाएगा। मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ, प्लीज उस बुक को फॉलो करो, उसी को पढ़ो, सब कुछ दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ो तो सही उसको जाके। तो मैंने कितनी बार बता दिया, नाम भी लिख देता हूँ, कॉस्मोस पब्लिकेशंस, कॉस्मोस पब्लिकेशन, महेश कुमार भरवल, सब कुछ दिया हुआ है उसमें, कुछ भी बाहर से नहीं पढ़ा रहा मैं। इनकी पॉलिटी की बुक भी आती है, आपने देखी है इसकी पॉलिटी की बुक? मेरे पास पर्सनली पड़ी हुई है इसकी, पॉलिटी और ज्योग्राफी की बुक भी आती है। हिंदी के तो सारे सेट आते हैं, हिंदी के तो सारे सेट आते हैं इसमें, ठीक है। पर इंग्लिश में पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की 2 सेट्स हैं, मेरे पास पर्सनली पढ़ी हुई है, मैंने उसमें से पढ़ा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। लक्ष्मीकांत से पॉलिटी आपने पढ़नी है, पर आपको अगर आपने महेश कुमार भरवल की बुक पढ़ ली, वो नोट्स फॉर्म में दिया, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड बुक, वेरी गुड बुक, ठीक है। तो आप उसको ले सकते हैं, देखो पॉलिटी उसमें से तो पढ़नी पढ़नी है, ठीक है, पर वेरी गुड बुक। इसमें क्या, अगर आप इसमें से पढ़ लेंगे, टू द पॉइंट चीजें दी हुई हैं, लक्ष्मीकांत में थोड़ा इररिलेवेंट सी चीजें भी दी हुई हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या कि लक्ष्मीकांत बेसिकली पॉलिटिकल साइंस की बुक है, मैं आपको सही बात बताऊं, पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट है ना, पॉलिटी का एक ऐसा सब्जेक्ट बुक है वो, ठीक है।
आज लक्ष्मीकांत उसको पढ़ना चाहिए, देखिए पढ़ना उसको चाहिए क्योंकि आपको डिटेल जो है लक्ष्मीकांत में मिलेगी, पर जब आप मेन चीजों में याद करोगे ना पेपर के बगैर, आपको नोट्स चाहिए, नोट्स फॉर्मेट में एक बुक चाहिए जो आपको टू द पॉइंट बताए, जो पेपर की रेवलेंट आ रही है, तो महेश कुमार भारवल की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो इसको, ठीक है। महेश कुमार भारवल की ज्योग्राफी बुक्स भी ले लो, इसकी भी ले लो, एनसीईआरटी वाली बुक्स हैं इसकी, पर एनसीईआरटी से ज्यादा दिया हुआ इसमें, ठीक है। और हिंदी में तो सारे सेट है, इकोनॉमी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सारे सेट में, हिंदी वालों की तो लॉटरी लगाई हुई है उसने पूरी, ठीक है। तो ले लेना है एक बार। नहीं, मेरे पास पीडीएफ नहीं है, उनकी भी पीडीएफ तैयार नहीं है, आपने उसमें से देख लो, अमेजोन में मिल जाएगी बुक, फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी आपको, हिंदी के सारे सब्जेक्ट्स की बुक अवेलेबल है, इंग्लिश में सिर्फ पॉलिटी की, ज्योग्राफी की दो बुक है, एनसीईआरटी की, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी की सारी बुक है, और एक हिस्ट्री की बुक है, बाकी उनकी सीरीज सभी आनी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ले लेनी चाहिए, हिस्ट्री आपने देखी होगी, हिस्ट्री की बुक जो है अच्छी बुक है, कंपैरेटिव मेरे हिसाब से जो हिस्ट्री की बुक है, ठीक है। उसके बाद आपको जो पढ़ रहे हैं उसमें जो मेन मेन पॉइंट्स है वो पहले ही उसको रेड मार्क से लिख रहा है, आपने देखा होगा वो रेड मार्क से पहले मेन मेन पॉइंट्स को लिख रहा है, ठीक है। तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कोई सिर खपाने की जरूरत नहीं है उसके, ठीक है ना। तो पहले ये बुक को अच्छी तरह से पढ़ लो, अगर ऊपर की कोई बुक है वो मैं आपको बताऊंगा कौन सी है, पहले इसको पढ़ लो अच्छी तरह से, टाइम बचेगा तो हम वो बुक भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा कौन सा है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन पल्लव पीरियड, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन पल्लव पीरियड, ठीक है। शुरुआत करें तो भारत में मैंने आपको बताया था तीन टाइप के आर्किटेक्चर थे, टेंपल आर्किटेक्चर जो थी वो तीन टाइप की थी, पहली थी नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जो नॉर्थ इंडिया में थी, इसके बारे में हम, इनके बारे में डिटेल हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे, जब आर्ट एंड कल्चर को हम तैयारी करेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है, नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। उसके बाद आई विसरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, जिसके बारे में कल हमने पढ़ा था, याद होगा आपका, चालुक्य डायनेस्टी में, और एक साउथ इंडिया की जो डायनेस्टी थी वहां पर कौन सी थी, द्रविड स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, विसरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड द्रविड स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, क्लियर है। तो द्रविड स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की जो शुरुआत हुई वो किसने शुरुआत की थी, पल्लव डायनेस्टी में, भारत में पल्लव डायनेस्टी ने ही द्रविड स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की शुरुआत की थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में पल्लव डायनेस्टी के जो टेंपल है उनको थ्री फेसेस में माना गया है, तीन फेस थे उसके, ठीक है। पहला जो फेस था, ठीक है, द फर्स्ट फेस और टेंपल, वो किसके टाइम पे शुरू हुआ था, महेंद्र वर्मन वन, महेंद्र वर्मन वन के टाइम पे जो फर्स्ट फेस था वो शुरू हुआ था, महेंद्र वर्मन वन की तरह मैंने आपको बताया, उसने टेम्पल्स बनाए थे जो थोड़े बहुत हवा में थे, कईयों को सपोर्ट नहीं था, कई केस को तोड़ कर भी टेम्पल उसने बनाए हैं, ठीक है ना। तो उसके टाइम पे जो टेम्पल थे वो केप्स को तोड़ कर बनाए जाते थे, केप्स को तोड़ कर, ठीक है, सुरंग में टेम्पल बनाए जाते थे, ठीक है। और ये जो टेम्पल थे वो क्या थे, मोनोलिथिक टेम्पल थे, मोनोलिथिक टेम्पल थे, ठीक है। तो इस बार इस समय जो टेम्पल थे उनको क्या बोला जाता था, मंडप्स, जो केव टेम्पल थे उसको क्या बोला जाता था, मंडप्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महेंद्र वर्मन वन ने जो टेम्पल शुरुआत की थी उन केव टेम्पल्स को क्या नाम से जाना जाता था, मंडप, मंडप कहा जाता था, मंडप, ठीक है। सेकेंड स्टेज, जो सेकेंड स्टेज के टेम्पल थे वो किसके टाइम पे शुरू हुए थे, नरसिम्हा वर्मन वन, तो सेकेंड फेज के टेम्पल से वो किसके टाइम पे शुरू हुए थे, नरसिम्हा वर्मन वन, ठीक है।
नरसिम्हा वर्मन वन ने भी मैंने आपको बताया जो टेम्पल्स का जो मेन सेंटर था वो कौन सा था, महाबलीपुरम, क्योंकि महाबलीपुरम की फाउंडेशन नरसिम्हा वर्मन वन ने की थी, तो नेचुरली बात है कि जो मेजर डेवलपमेंट होगी वो उसी साइड ही करेगा जो उसने शहर बनाया था। ठीक है, तो मैक्सिमम जो टेम्पल्स थे वो इस समय बने। ठीक है, इस समय जो टेम्पल्स थे उनको मंडप नहीं बोला गया, उनको रथास का नाम दिया गया। अब जो टेम्पल मंडप थे ऊपर उनको क्या बोला गया, रथास, रथ, क्योंकि मैंने आपको बताया वो केव को तोड़कर बनाए जाते थे, क्योंकि ये भी जो टेम्पल्स थे वो भी मोनोलिथिक थे, मोनोलिथिक केव टेम्पल्स थे, गुफाओं को तोड़ के बनाया जाता था, पर ऐसे शेप दी जाती थी रथ की तरह की, आप वहां पर जाओगे आपको लगेगा रथ था, रथ की तरह। ठीक है, तो अब इन टेम्पल्स को क्या बोला गया, रथ का नाम दिया गया, रथ था। ठीक है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल जो है वो कौन सा है, पंच पांडव रथ टेम्पल, पंच पांडव रथ टेम्पल एट महाबलीपुरम, एट महाबलीपुरम, पंच पांडव रथ टेम्पल एट महाबलीपुरम। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना, बताइए पहले क्लियर है आपको। अब देखिए ये जो दो स्टेज में टेंपल्स बने हैं ये क्या रॉक कट टेंपल्स है, जैसे कल मोदी साहब गुफाएं सुरंग बना रहे हैं, ठीक है, अभी नई सुरंग बनाई है उन्होंने, क्या पहाड़ों को तोड़ तोड़ कर केव्स बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह की ये टेंपल्स हैं, टनल्स हैं। ठीक है, तो ये एक तरह के केव टेम्पल्स हैं, पहाड़ों को तोड़कर बनाए गए। अब जो प्रॉपर टेम्पल है जो पहाड़ों को तोड़कर नहीं बनाए गए, अब लैंड में बनाए गए, जो प्रॉपर हमको फ्री स्टैंडिंग टेम्पल दिखते हैं, ऐसे टेम्पल्स की शुरुआत, फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स, ठीक है, किसने शुरू की थी, राजसिम्हा ने, थर्ड स्टेज ऑफ टेम्पल्स राजसिम्हा ने शुरू किया, जब इंडिपेंडेंट टेम्पल्स, इंडिपेंडेंट टेम्पल्स बनाए गए, किसी केव को तोड़कर नहीं, जैसे आपको मंदिर मिल जाएगा यहाँ पर नहीं, इस तरह के टेम्पल जो खड़े स्टैंडिंग टेम्पल्स बनाए गए किस चीज के, सॉफ्ट रॉक के, सॉफ्ट रॉक से बनाए गए ये टेम्पल्स। तो इस टेम्पल, ये कौन से टेम्पल है, थर्ड स्टेज ऑफ टेम्पल जो थी ये राजसीमा ने शुरू की थी। ठीक है, और इसमें आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल कौन सा है, शोर टेम्पल, शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम, शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम। क्योंकि ये जो थर्ड स्टेज का जो टेम्पल है ये अब फ्री स्टैंडिंग टेम्पल है, जैसे आपको बाहर मिले किसी पहाड़ को काट कर नहीं बनाए हुए, ये केव टेम्पल नहीं है, एक फ्री स्टैंडिंग टेम्पल लैंड में बना दिया। ठीक है, तो ये जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी, थर्ड स्टेज में राजसीमा ने ये शुरुआत की थी, और ये सॉफ्ट रॉक्स की बनी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम। क्लियर है आपको इतना, पहले थ्री स्टेजेस पर आइए, क्लियर है। लास्ट स्टेज कौन सी थी, फोर्थ स्टेज ऑफ टेंपल, फोर्थ स्टेज ऑफ टेंपल के जो इंपॉर्टेंट टेंपल्स है उसको नोट करिए, पहला कौन सी है, मुक्तेश्वर टेंपल, मुक्तेश्वर टेंपल एट कांचीपुरम, मुक्तेश्वर टेंपल पहला स्पेस जो थे वो कांचीपुरम में बना था। ठीक है, मुक्तेश्वर टेम्पल एट कांचीपुरम, मेजर इंपॉर्टेंट टेम्पल जो फोर्थ फेज का है। फोर्थ फेज के जो टेम्पल्स हैं वो क्या है, वो डेकोरेटेड है, एक तो डेकोरेशन की गई है उन टेम्पल्स में। ठीक है, दूसरा इनमें मुराल पेंटिंग्स यूज की गई है, मुराल पेंटिंग्स क्या है, दीवारों के ऊपर पेंटिंग बनाना, आज भी आपको टेम्पल्स में दिख जाए दीवारों के ऊपर रामचंद्र जी की, शिव जी महाराज की पेंटिंग बनाई होती है। ठीक है, तो इन पेंटिंग्स को क्या कहा जाता है, मुराल पेंटिंग्स। ठीक है, इन पेंटिंग्स को चौथे स्टेज के टेंपल्स में डाला गया। सबसे बड़ी बात क्या है, इन स्टेज के टेंपल्स में जो एंट्रेंस है वहां पर आपको दो गार्ड दिखेंगे। ठीक है, आज भी आपको टेंपल्स में दिखते हैं दो गार्ड खड़े हुए हैं, मूर्तियां बनी हुई हैं, इस टाइप के जो गार्ड थे ये किस स्टेज के टेम्पल में शुरू हुए थे, इस फोर्थ स्टेज के टेम्पल में शुरू हुए थे। और इनके जो गेट्स थे, इन टेम्पल्स के जो गेट्स थे उसमें गंगा और जमुना को दिखाया गया, किस तरह से गंगा जमुना स्वर्ग से पृथ्वी की ओर आ रही है। ठीक है, तो अब डेकोरेशन की गई है, पिक्चर्स को बनाया गया है, मूर्तियां बनाई गई हैं, फोटोएं बनाई गई हैं, तो डेकोरेटेड स्टाइल के जो टेम्पल्स है वो फोर्थ
स्टेज के टेंपल्स हैं जो पल्लव पीरियड में बने हैं। क्लियर है? तो इसी तरह से आपका पल्लव डायनेस्टी का बड़ा चक्कर है वो खत्म होता है। एनी प्रॉब्लम? फोर्थ फेज के टेंपल जो इंपॉर्टेंट है, मुक्तेश्वर टेंपल। मुक्तेश्वर टेंपल एंट्रेंस गेट में दो गार्ड्स की मूर्तियां लगी हुई हैं और डेकोरेशन ऐसा दिखाया गया कि गंगा जमुना आ रही है स्वर्ग से नीचे की ओर। ठीक है, तो 5 मिनट का टाइम देता हूँ, पानी पूरी पी लो अपने भैया, मैं ही पी लेता हूँ। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी में। मैथ की क्लास कब है आपकी? ठीक है, तो क्लियर है आपको ये? पढ़ना है आगे? और ठीक है, तो अगली बार हमारा जो टॉपिक होगा, ठीक है, वो दो टॉपिक्स होंगे। फ्राइडे को मैं क्लास लूंगा, ठीक है। उस दिन उठना नहीं है क्योंकि दो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। इस बार तो दो क्लासेस थी, मैंने पिछली बार क्लास नहीं ली, ठीक है। तो अगली बार एक ही क्लास होगी, ठीक है, फ्राइडे को, और दो टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। उसमें दो टॉपिक्स कौन से होंगे? एक तो होगा राष्ट्रकूट डायनेस्टी और चोल डायनेस्टी, ठीक है। इसी के साथ हम साउथ इंडिया हिस्ट्री को ख़त्म कर देंगे, फिर हम नॉर्थ इंडिया की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में लंबा जाएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी क्लास को ख़त्म करेंगे राष्ट्रकूट डायनेस्टी और चोला डायनेस्टी के बारे में, ठीक है।